हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर टू, जो गुडविल चैप्टर है आपका, उसका सेकंड मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नाउ व्हाट इज अ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? एक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट होता है जो आप एवरेजली अर्न कर रहे हैं, या फिर इसे एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट होता है जैसे कि एक इंडस्ट्री के अंदर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक नॉर्मली रेट तय है कि आपको इतना रिटर्न मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है और उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तय है, इसका मतलब ये है कि आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उस पर नॉर्मली आपको 10% रिटर्न मिल जाता है। दैट इज व्हाट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर 10 लाख रुपीज का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अकॉर्डिंगली आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपीज आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट इस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो दैट प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? गुडविल। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मली आपको अर्न करना चाहिए था, आपकी सेल और प्रॉफिट उससे ज्यादा है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कुछ भी बुला सकते हैं आप इसे। एवरेज प्रॉफिट आप पहले ही सीख चुके हैं, दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपके पास? नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नाउ दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन कि वो क्या होगी, क्योंकि ये आपके पास पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या चीज रहेगी, आपको फाइंड आउट नहीं करनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, यू गेट नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, यू गेट सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज योर गुडविल ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं स्टूडेंट। नाउ बेसिकली व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मींस? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कितना ऑनर्स ने पैसा बिजनेस में लगा रखा है। जो पार्टनर्स हैं उनका पूरे तरीके से जो इंटरनल पैसा है वो कितना है। एक्सटर्नल हटाना है, इंटरनल आपको बताना है, राइट? जैसे अगर आपके पास ये बैलेंस शीट है तो ये लाइबिलिटी साइड होती है, या आपके पास एसेट साइड है। तो यहाँ पर दो तरीके की चीजें होती है। इंटरनल लाइबिलिटी मींस जो आपके पास ऑनर का पैसा है, जैसे कि कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए, ये सब इन्हीं के होते हैं, राइट? और यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मींस आउटसाइडर से रिलेटेड लाइबिलिटी, जैसे कि आपके पास क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गया आपके पास, इस तरीके की जो लाइबिलिटीज हैं, डिबेंचर्स हैं, दीज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और यहाँ पर आपके पास सारी एसेट्स हैं जो आपने इन पैसों से फाइनेंस की हैं। तो आप इस एसेट्स में से ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हटा दीजिए, देन वी गेट दिस, दिस इज व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपके पास फॉर्मूले है दो, एसेट्स आपने लेनी है अदर देन गुडविल और फिक्टिशियस एसेट, उसमें से आपने आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि आपने यहां से गुडविल और फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वो क्यों नहीं लेना? क्योंकि स्टूडेंट जिस तरीके से रिजर्व इन्हीं ऑनर्स के हैं, इसी तरीके से वो फिक्टिशियस एसेट्स का बर्डन जो है वो ऑनर को ही बेयर करना है, यानी इनकी कैपिटल में से वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसीलिए आप एसेट्स में से सिर्फ वो वाली एसेट्स लेते हैं जो अदर देन गुडविल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स होती है। उसके बाद आप उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए, वी गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। या एक और तरीका है, आप सिंपली ये वाली चीजें प्लस कर दीजिए, कैपिटल ले लीजिए, उसमें रिजर्व प्लस कर दीजिए और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दीजिए, तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ये कौन सा मेथड अपनाया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। सबसे पहले आपके पास कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख रुपीज। ओके, शर्मा एंड वर्मा ने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रखे, दैट इज 2 लाख रुपीज एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यानी जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है नॉर्मली उस पर कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 15%, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 12,000 ईच। तो पूरे साल की एक पार्टनर को 12,000 सैलरी दी जाती है, तो दोनों पार्टनर्स की कितनी सैलरी हो जाएगी आपके पास? दोनों पार्टनर की सैलरी आपके पास हो जाएगी 24,000 रुपए। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000 रुपीज, 72,000 रुपीज एंड 84,000 रुपीज। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो आपको क्या कह रहा है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 year परचेज
और एवरेज सुपर प्रॉफिट आपने लेना है, और एवरेज आपने लेना है 3 सालों का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में से जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लीजिए। दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, कैपिटल ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख रुपीज, सैलरी 12,000 ईच। नाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मुला लिखते हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है? नहीं, हमें एवरेज प्रॉफिट भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ सैलरी मेंशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट्स हैं, इसमें से पार्टनर्स की सैलरी माइनस नहीं की है। अब देखिए, पार्टनर की सैलरी तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, ये जरूर माइनस होना चाहिए था। इट्स नॉट एबनॉर्मल, इट्स ए नॉर्मल एक्सपेंस, तो ये माइनस होना चाहिए था, ये आपने प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं करा। हमारे पास दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो हम 60,000 में से 24,000, 72,000 में से 24,000, यानी ईच ईयर के प्रॉफिट में से ईच ईयर की सैलरी जो है वो पहले माइनस कर लेते हैं और फिर टोटल कर कर डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और उस एवरेज प्रॉफिट में से एक बार एवरेज, क्योंकि एक साल का है आपके पास, इसमें से एक बार 24,000 रुपए माइनस कर सकते हैं। दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा, राइट? तो हमने फिलहाल यहाँ क्या किया है, हमने सबसे पहले तीनों सालों के प्रॉफिट्स का टोटल किया, दैट इज 60,000, 72,000, 84,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज एवरेज प्रॉफिट 72,000। नाउ जो एवरेज प्रॉफिट है 72,000 रुपीज का, उसमें से हमने 24,000 रुपए जो है सैलरी के उसे माइनस कर दिया। नाउ वी गेट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 48,000 रुपीज। नाउ वी गेट एवरेज प्रॉफिट, नाउ व्हाट आई नीड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आपके पास? 15%। तो आपको नॉर्मली जो अर्निंग होनी चाहिए थी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो 30,000 थी, पर आप लोग कितना कमा रहे हैं एवरेजली? 48,000 रुपीज। इसका मतलब आपको सुपर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो 48,000 रुपीज में से हम 30,000 रुपीज माइनस करेंगे, वी गेट सुपर प्रॉफिट, दैट इज 18,000। नाउ व्हाट इज गुडविल ऑफ द फर्म? सुपर प्रॉफिट जो कि 18,000 है इंटू 2 इक्वल टू 36,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2016 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो ऑब्वियसली कैश के अंदर तो एसेट्स के अंदर तो कैश इंक्लूड होना चाहिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स हटानी होती हैं, कैश कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो 75,000 आपके पास एसेट है, ओके है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग रुपीज 5,000, यानी आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 व्हाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। देखिए, अगर हम यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको एसेट्स दे रखी हैं इंक्लूडिंग कैश 75,000 रुपीज, कैपिटल दे रखा है आपको 60,000 रुपीज का, रिजर्व्स आपको दे रखे हैं 10,000 रुपीज के, और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 5,000 रुपीज के। तो देखिए, ये टोटल जो है आपके पास 75,000 मैच कर रहा है। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड जिस मर्जी तरीके से निकाल लीजिए, या तो आप एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा, दैट इज 70,000, या आप कैपिटल में रिजर्व्स ऐड कर देंगे माइनस फिक्टिशियस एसेट जो यहाँ नहीं है, तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो देखिए, एसेट्स आपके पास 75,000 है, लाइबिलिटी 5,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, दैट इज 75,000 माइनस 5,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास हो गई 70,000 रुपए। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने 70,000 निकाला। नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 20%। तो 14,000 रुपए आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पर आपके पास सुपर प्रॉफिट मिसिंग है इस क्वेश्चन में, राइट? एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था आपको। तो आप देखिए, गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन थी 24,000 रुपीज, ये देखिए, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000 रुपीज। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, आप लोगों ने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो नहीं है हमारे पास अभी, 24,000 रुपीज का आपके पास गुडविल था, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 गिवन है, ये डिवाइड हो जाएगा, वी गेट सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप पहले निकाल चुके हैं 14,000, ये प्लस हो जाएगा वहां जाकर, वी गेट एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और।
एवरेज प्रॉफिट बाय अ फर्म इज 1 लाख रुपीज. तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख रुपीज, विच इंक्लूड्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000 ऑन द एवरेज बेसिस. द कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द सुपर प्रॉफिट. तो आपने सुपर प्रॉफिट का 5 times करना है, उससे आपके पास गुडविल आ जाएगी. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने ये अंडर वैल्यूएशन वाला समझना है इसके अंदर. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक समझने की कोशिश करिएगा. अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद है 11th class का, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्रेडिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट में होता था. तो अगर आप ऐसा समझे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपकी इनकम होती है, अगर आप अपनी इनकम को कम दिखाएंगे यानी अंडर वैल्यू करेंगे, तो उससे आपके प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा सोचिए. अगर हम अपनी इनकम को कम दिखाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट रहा होगा वो भी अंडर वैल्यू हो गया होगा. तो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं आप में, आप जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है 10,000 से या 20,000 से, उसे प्रॉफिट में वापस जोड़ दीजिए, तभी वो मिस्टेक आपकी ठीक हो सकती है. इसी तरीके से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया है, दैट मींस आपने इनकम ज्यादा दिखा दी है, तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो ओवर वैल्यूड आ रहा है, तो आपको वो 10,000 या 20,000 जो भी अमाउंट है वो आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि आप इस एरर को रेक्टिफाई कर सकें. यही चीज अगर ओपनिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में होती तो ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस है आपके लिए, डेबिट साइड पर होता है आपके पास जहां एक्सपेंस लिखे होते हैं. तो अगर आपका ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखाया, इसका मतलब आपने एक्सपेंस कम दिखाए, एक्सपेंस कम दिखाने से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, तो उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को. इसी तरीके से अगर आप ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाते हैं, इसका मतलब आपने एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया. अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा दिखाया तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम आ गया होगा. अब उस प्रॉफिट को ठीक कैसे करें, हम वो जिस अमाउंट से कम हुआ है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो वही चीज बस यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर है. आपको एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 6,30,000 दी है, नॉर्मल रिटर्न जो है वो 5% है, गुडविल इज बेसिकली 5 times ऑफ सुपर प्रॉफिट. नाउ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट दिया था लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू मींस आपने अपनी इनकम कम दिखाई थी, इनकम कम दिखाई थी तो प्रॉफिट कम आया होगा, इसीलिए अब ठीक करने के लिए उस 40,000 रुपीज को इसमें ऐड कर दिया गया ताकि आपके पास करेक्ट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाए. राइट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम. कैपिटल एम्प्लॉयड टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 3,500. सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट. नाउ गुडविल इज 5 times ऑफ सुपर प्रॉफिट. I hope it's clear. Thank you so much, guys.